नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लूसेंट सीरीज पे, जो अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है लूसेंट सीरीज का, और जो आप लोग को टॉपिक दे दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, उसी का एनालिसिस मैं करूँगा। जो क्वेश्चन दिया जाएगा 20 क्वेश्चन होगा, उसी 20 क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल न किया वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल के प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर युक्ति आईएएस सर्च करेंगे। युक्ति मतलब YUKTI, युक्ति आईएएस सर्च करेंगे, ऐसे लोगो खुल के आएगा रेड कलर का, उसको इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और डायरेक्ट आप संस्था से जुड़ जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी टेस्ट सीरीज लेना हो, दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, चाहे वो वनडे एग्जाम का हो, चाहे वो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, UPSC का, स्टेट PCS का, कोई भी आप एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। BR PCS लगातार टेस्ट सीरीज चल रहा है BR PCS का, टोटल 121 टेस्ट है 199 में। तो जिनको भी BPSC का टेस्ट देना हो तो BPSC का टेस्ट दे सकता है। जिसको BPSC का मेंस का कोर्स ज्वाइन करना हो तो BPSC का मेंस का कोर्स ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर GS फर्स्ट और GS सेकंड दोनों 100-100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी 1000 फी है। यहाँ पर भी आप जो वैकल्पिक विषय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जिसको UPSC का भी डेट आ चुका है, 5 जून को पेपर है, जिनको UPSC का सब्सक्रिप्शन लेना है तो UPSC का भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है। और जो मैंने कहा कि लूसेंट बूस्टर जो है MCQ 199 प्राइस है इसका, 600 प्लस क्वेश्चंस होंगे, वो भी क्वेश्चन ऐसे कि जो पहली बार आपको देखने को मिलेंगे लूसेंट का। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहेगा, स्कोर 110 मतलब 110 से अधिक लाना भी है, ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, जैसे लूसेंट में मैंने कहा था कि जैन बौद्ध एंड इस्लाम धर्म, ये सबसे टॉपिक जो दिया गया था उसी टॉपिक से, लूसेंट का टॉपिक 6 से लेकर 10 तक का है, तो उसी से क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं, क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। क्वेश्चन यही है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। चार ऑप्शन दिया गया है, ऋषभदेव, आदिनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, और उपरोक्त में से कोई नहीं है और एक से अधिक। अब ध्यान से देखिए, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर के बारे में पूछा है, तो इसका पहला आंसर ए जो है बिल्कुल ही सही है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, और जैन धर्म के अगर 23वें की बात की जाए तो पार्श्वनाथ जी थे वो 23वें नंबर के थे, 23वें तीर्थकर थे, ऋषभदेव फर्स्ट थे और ये 23वें थे। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा अमूमन देखने को मिलता है। महावीर स्वामी 24वें थे, ये भी याद रख लीजिएगा, 24 नंबर इनका था, 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी, 24वें नंबर के थे। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर प्रथम पूछे तो ऋषभदेव, 23वां पूछे तो पार्श्वनाथ, 24वां पूछे तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थकर हुए थे, यानी कि पहला ऋषभदेव साहब थे और आखिरी जो तीर्थकर थे यानी कि 24वां नंबर, वो महावीर स्वामी जी का हुआ था। महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ, घ्रातक कुल के सरदार थे, और माता जो थी त्रिशला जो थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की अगर पत्नी का नाम की बात किया जाए तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा, एवं उनकी पुत्री का नाम अगर बात किया अनुजा प्रियदर्शनी था। तो अगर ये सब भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको BPSC के में पूछे, तो हमेशा एक से दो क्वेश्चन हमेशा आप देखेंगे, जब भी महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर दोनों टॉपिकों में मिला दूं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के संस्थापक को प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। आखिरी अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे जो 24वें नंबर के थे, पार्श्वनाथ थे जो 23वें नंबर के थे। तो ये सब भी क्वेश्चन आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। और देखिए इसका आंसर ये, अगर किसी को देखना है तो लूसेंट में पेज नंबर 7 पे चला जाएगा, उसे वहीं पर वो क्वेश्चन, जैन धर्म का टॉपिक है, वहीं से लिया गया है। तो जैन धर्म के संस्थापक को प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थकर थे। जैन शब्द का अर्थ होता है, जैन का शब्द का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है, विजेता जो जीतने वाला होता है। वर्तमान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। वह यांत्रिक वंश के थे। जैन व्यवस्था को 2 संप्रदाय में विभाजित किया गया है, दिगंबर और श्वेतंबर। श्वेतंबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर, स्थान की बात इसमें पूछा गया है। तो क्या कुंडाग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र, पावरपुरी, कुशीनगरा। अभी मैंने बताया कि कुंडाग्राम वैशाली में इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। इनकी पिता का नाम सिद्धार्थ, घ्रातक कुल के सरदार थे, और माता जी का नाम भी पूछा जाता है हमेशा त्रिशला, ठीक है, याद रखिएगा। राजा चेटक की बहन थी।
ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी पेज नंबर 7 पे जाके आप लोग देख सकते हैं। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस भाषा में दिया था? मान लीजिए भाषा पूछते, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो प्राकृत, जिसे अर्ध मागधी भाषा कहा जाता है, उसमें दिया था। प्राकृत और अर्ध मागधी भाषा में दिया था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा सी फॉर कैट, ठीक है। महावीर ने अपने अनुवायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुवायियों को क्या कहा जाता था, यह भी याद रखिएगा, निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अगर अनुवायी की बात की जाए तो उनके दामाद थे जिनका नाम था जामिल था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी पेज नंबर 7 पे ही मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के कितने त्रिरत्न हैं? जैन धर्म के कितने त्रिरत्न हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो जैन धर्म के कितने त्रिरत्न हैं, तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के सिर्फ त्रिरत्न कितने त्रिरत्न हैं, तो नाम से ही इससे पता चलता है कि जैन धर्म के कितने त्रिरत्न हैं बेटा। तो जैन धर्म के यहाँ पे तीन ही त्रिरत्न होंगे, क्योंकि त्रिरत्न की बात की गई है वहाँ पे कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जबकि जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। अगर त्रिरत्न पूछे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। आंसर यहाँ पे वैसे सी है यहाँ पे, और ये मैंने पूरा डिटेल व्याख्या बता दे रहा हूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के 3 त्रिरत्न है, लेकिन जबकि जैन धर्म के 5 सिद्धांत क्या है, अहिंसा मतलब जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य मतलब झूठ न बोलना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का चयन न संचय न करना, और ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के जो है 5 महाव्रत है, याद रखिएगा। ये सिद्धांत है, जैन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं। और त्रिरत्न पूछे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। और ये अगर जैन धर्म के 5 प्रिंसिपल पूछे तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। ये याद रखिएगा, कभी भी परीक्षा में देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इन चीजों को, स्टेटमेंट को याद रखिएगा। इसमें पूछ देगा कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के कौन से सिद्धांत नहीं है, मान लीजिए बौद्ध और जैन को एक साथ मिला के पूछ देगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 5 स्टेटमेंट और त्रिरत्न याद रखिएगा। पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, जाके वहां पे देख सकते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? खजुराहो की बात किया गया, पहली बात याद रखिए खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, चंदेल वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक, हर्यक वंश के शासक, मौर्योत्तर वंश के शासक। इसका सही आंसर है पांचवे का सही आंसर है ए फॉर एप्पल, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ए इसका आंसर सही है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो जो है बेसिकली हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। इन मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख अबू रहीन अल बरूनी तथा अफ्रीका यात्री इब्न बतूता के विवरणों में मिलता है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो के मंदिर की वास्तुकला को नागर शैली का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। गर्भगृह, शिखर और मंडप जो प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं होती है। और हमेशा पेपर में आपने देखा होगा नागर शैली, बेसर शैली, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा नागर शैली का जो मेन मोटो है उसको याद रखिएगा। नागर शैली में बेसिकली गर्भगृह होता है, शिखर जो होता है उसका वक्री भुज टाइप का होता है, और मंडप जो प्रवेश द्वार होता है, नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं होती है। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये खजुराहो हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक है, लेकिन इस क्वेश्चन का व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। अगर किसी को इस क्वेश्चन को देखना हो तो पेज नंबर 8 पे जाके इसका पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकता है। अब हम बात करें गौतम बुद्ध पे, गौतम बुद्ध, ठीक है, एशिया के ज्योतिर्पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था? 523, 545, 563 और 565। इसका सही आंसर है 563। और बीपीएससी की परीक्षा में, मैं कह रहा हूं कि जाइए बीपीएससी की परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन इस साल देखने को आपको मिलेंगे। ये चैलेंज है मेरा, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में गौतम बुद्ध से, जैन धर्म से हमेशा एकदम फिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर होगा 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मबोध प्राप्त किया था, जबकि वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 वर्ष की स्थिति में ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो चुका है, वहां पर उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा 563 पूर्व इनकी जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन अगर किसी को देखना हो तो पेज नंबर 8 पे जाकर देख सकता है। सातवां क्वेश्चन है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था, ये भी क्वेश्चन तो बचपन से पढ़ते होंगे क्योंकि संसार दुख से भरा हुआ था, उन्होंने देखा कि कितना जीवन में दुख है। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है, 25, 27, 29 और 31। तो ये शादी के बाद गए थे, 29 वर्ष की उम्र में गए थे, तो 29 साल इसका बिल्कुल सही आंसर है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग का कारण क्या था? युवा अवस्था में उन्होंने मानव जीवन के दुखों को देखा, जैसे रोगी व्यक्ति, वृद्धावस्था, मृत्यु को देखा। इसके विपरीत एक प्रसन्नचित सन्यासी से प्रभावित होकर 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। महात्मा बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए अपने आप बोध को प्राप्त किया, आत्मबोध को प्राप्त किया, ज्ञान की प्राप्ति किया। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किस नदी के किनारे, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कहां पर, यह भी कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया, यह भी कमेंट करके बताइएगा। और इनका मृत्यु कहां पर हुआ था, यह भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको अगर किस क्वेश्चन को देखना हो तो पेज नंबर 8 पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि शासुर मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। शासुर मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर 90% से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में राज्य में स्थित है, जबकि नामग्याल मठ भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मिडरालिंग मठ भी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह भी ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन से तीन शिकार यहां पर किए गए हैं। सासुर मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है, इसके साथ साथ नामग्याल मठ, जो बच्चों को नहीं पता होगा मैं बता दे रहा हूं, सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में है, नामग्याल मठ जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि मिडरालिंग मठ जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, पहाड़ों की रानी देहरादून उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको किसी को देखना हो तो पेज नंबर 9 पे जाके देख सकता है। अगला है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म, संघ और ज्ञान क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। चलो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे जो बुद्ध है, धम्म है और संघ थे, जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अभी मैं पढ़ाया हूं तो इसी में पूछा कौन शामिल नहीं है, तो सम्यक ज्ञान शामिल नहीं है क्योंकि ये तो जैन धर्म का था, अभी तो पढ़ाया था मैंने, तीन फार्मूला त्रिरत्न का बताया था और 5 उनके प्रिंसिपल्स बताए थे जैन के। इस तरह के भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, पेज नंबर पे चले जाइएगा 8 नंबर पे। निम्नलिखित में से तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार ये पूछा जाता है, तवांग मठ किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, गंगटोक, सिक्किम, वही लद्दाख और सिक्किम, ठीक है। तो तवांग मठ जो है बेसिकली आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि रूमटेक मठ जो है गंगटोक में स्थित है, जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा आप लोग, इसको देखना हो तो पेज नंबर 9 पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? हमेशा क्वेश्चन बिहार पीसीएस में एक क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, फ्री के नंबर है, जिनको लेना है ले सकता है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बता देता हूँ। अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक और कनिष्क, इसमें 4 ऑप्शन है। तो पहले व्याख्या देख लीजिए फिर इसका आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल मैंने दे दिया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना जो किया गया था, शासनकाल था, वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ मतलब वाचन करने आदि के उद्देश्य संगीति मतलब सम्मेलन आयोजित किया गया था। समिति मतलब सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। 4 बौद्ध संगीतियां जो निम्नलिखित है, प्रथम बौद्ध संगीति हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, चाहे आप ग्रुप डी के पेपर देते हो चाहे ग्रुप ए का पेपर देते हो, हमेशा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है। प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा, समय था 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था, आजाद शत्रु हरेक वंश के शासनकाल में हुआ था। उद्देश्य क्या था उसका, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया था। अब बताइए अगर यही क्वेश्चन उठा के पूछ दे कि 4 बौद्ध संगीतियां जो है तो किस पिटक में
प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय में, किस में आपको पिटक को संकलित किया गया था, तो प्रथम में ही संकलित किया गया था। दो पिटकों विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप साहब थे। शासनकाल कौन था? हरेक वंश के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति पूछे तो स्थान था वह वैशाली था, वैशाली। समय था 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे साबा कामी साहब। शासनकाल था कलासो शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। इसका उद्देश्य द्वितीय वाला था कि अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित हुआ, महासंघी दो भागों में बट गया था, यह भी याद रखिएगा। तीसरा था तृतीय बौद्ध संगति, स्थान था पाटलिपुत्रा। समय 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष मोगली पुत्तूस। शासनकाल अशोक मौर्य वंश के काल में इसका तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य यह था कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। तीसरा पीठक अभिधम्म पीठक इसमें जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संगति है, स्थान कश्मीर के कुंडल वन। समय प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो चार बौद्ध संगति बताया है मैंने, इस चारों बौद्ध संगति को आप लोग देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसी में से आपको फ्री का मिल जाएगा। अजात शत्रु इसमें जो मैंने कहा था, चलिए अजात शत्रु, ये अजात शत्रु। अगर किसी को बाई दिवे इसका डिटेल देखना हो तो पेज नंबर 9 पे चला जाएगा, उसको वहां पर आंसर मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में शिव का उल्लेख निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र है, शिव है, पशुपति, सर्व, किसके नाम से किया गया है? तो रुद्र के नाम से किया गया है। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के नाम का उल्लेख है, जबकि रुद्र देवता वैदिक मांडव में एक शक्तिशाली देवता माने गए हैं। शिव का ऋग्वेद में वर्णन मात्रात्मक दृष्टिकोण से गौर देवता के रूप में वर्णित है। ऋग्वेद में रुद्र की स्तुति बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहकर की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, सीता किसे कहते हैं? अब बताइए, ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि शिव का उल्लेख ऋग्वेद में जो बोला गया है तो इसमें रुद्र है। पेज नंबर 9 पे जाके इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पूरण कश्यप, मक्कली घोषाल, आचार्य अजीत, संजय कौन था? तो मक्कली घोषाल साहब थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्कली घोषाल थे, आंसर इसका बी हो जाएगा। आजीवक का मूल सिद्धांत भाग्यवाद था, ये और कर्म या इच्छा की संभावना में विश्वास नहीं करता था। आजीवक भटकने वाली तपस्वियों का एक संगठित समूह हो सकता है। भारत में आजीवक मौर्य सम्राट तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक और गुप्त युग चौथी शताब्दी ईसा तक गंगा के धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व बनी रही। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरण कश्यप थे, जबकि याक्षात संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत थे। ठीक है, पेज नंबर 9 पे जाके इसको देख सकते हैं। लास्ट 14 क्वेश्चन है, अभी लास्ट नहीं है। निम्नलिखित में से पशुपात पतिनाथ मंदिर किस देश में है? अब बताओ, ये क्वेश्चन आएगी कि पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है, इतना तो कॉमन सेंस होगा इस सभी के पास। नेपाल, भारत, बांग्लादेश और जापान। अगर इस क्वेश्चन को कोई गलत कर दिया तो वाकई में वो तैयारी करने लायक नहीं है, उसको और मेहनत करने की जरूरत है। तो सही आंसर इसका नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए कि नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल रिवटी और बेटी का संबंध है, भारत और नेपाल का बफर स्टेट है भारत और चाइना के बीच में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेपाल हमारे लिए, हमेशा छोटे भाई की तरह है हमारे नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गाँव में स्थित एक शिव मंदिर है नेपाल में। ठीक है, लोग दर्शन करने के लिए जाते भी हैं, काठमांडू इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, 15वां वैष्णव संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन थे? आनंद तीर्थ, बल्लभाचार्य, रामानुजन, निम्बार्क। तो कौन इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है रामानुज। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय इसका आंसर डी हो जाएगा। 15वें का आचार्य रामानुज जी थे। वर्ष 1117 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। प्रधानमंत्री, अभी करंट का ही क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की एक विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है। और इस क्वेश्चन के करंट अफेयर में पहला तो ये पूछेगा कि डेट क्या है और कहाँ पर किया गया है और उसका नाम क्या रखा गया उस स्टैच्यू का, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी उसका उद्घाटन किया गया, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता। रामानुजाचार्य वेदांत के विशिष्ट द्वैतवाद की उपशाखा के प्रमुख प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है। तो पेज नंबर 10 पे जाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि 52 पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है कि 52 पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, आंसर इसका डी है।
व्याख्या बता देता हूं कि वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो कम से है पाशुपत, कापलिक, कालामुख और लिंगायत है। ठीक है, तो 4 याद रखिएगा, पाशुपति, काल्पिक, कालामुख और लिंगायत है। पेज नंबर 9 पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किस शताब्दी में किया था, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। इसका सही आंसर है मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना 11वीं शताब्दी में किया था, क्योंकि सॉरी यहां पे 10वीं शताब्दी में किया था, यहां पे गलत लिखा है। यहां पे आंसर में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना जो बेसिकली किया था वो 10वीं संप्रदाय में किया गया था। देखिए यहां पे सिल्ली मिस्टेक है, मैं यहां पे सुधार कर दे रहा हूं। ये आंसर इसका सी है, आंसर क्या है बेटा, सी है, 10वीं संप्रदाय में किया गया था। तो मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना, 17वां क्वेश्चन का आंसर सी है, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आंसर डी लिख दिया गया, लेकिन 17वां का सी है, 17वां क्वेश्चन का आंसर सी है, 10वीं में किया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में किया था। संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना किया था। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबके लिए खुली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है, यहाँ पर सिली मिस्टेक हो गया है, आंसर इसका सी है, सी फॉर कैट, 10वीं शताब्दी में किया गया था। पेज नंबर 9 पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नायनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है, 52, 58, 62, 63। तो नायनार संतों की संख्या जो थी वो 60 थी। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुगान, संबंद्रम और सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखित है। 63 याद रखेगा, 6 और 3। अगला क्वेश्चन है 90 पेज नंबर 9 पे, इसको भी जाके देख सकते हैं। नायनार संतों की संख्या 63 है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने सीढ़ियों पर बल दिया है, 8, 10, 12 और 14। तो महात्मा बुद्ध ने नायनार की जो हम जिक्र कर रहे हैं तो कितने पर उन्होंने बल दिया है, तो इन्होंने 10 सीलों पर बल दिया। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया है, जो क्रमशः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मध्य सेवन न करना मतलब शराब का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, समय पर भोजन करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना आदि इसमें दिया गया है। कितना फॉलो करते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, जैसे सिविल की तैयारी करने के लिए क्या क्या त्यागना पड़ता है, वैसे उनका भी एक नियम था कि ये करना पड़ेगा निर्वाण प्राप्ति करने के लिए, निर्वाण को प्राप्ति को सरल बनाने के लिए सब करना पड़ेगा आपको, ये रूल एंड रेगुलेशन था उस जमाने का। तो इसका आंसर क्या था, 10। ठीक है, तो अभी 10ों का नाम तो बता ही दिया, असमय भोजन न करना ये भी था इसमें, सुखद प्रद बिस्तर पर नहीं सोना ये भी था। चलिए, संघर्ष तो आप लोग भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैगम मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को किस नाम से जाने जाते थे, उत्तराधिकारी किस नाम से जाने जाते थे, खलीफा, खरीबा, लियाकत, कबायलत। तो सही आंसर है खलीफा के नाम से जाने जाते थे। पैगम मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा के नाम से जाने जाते थे। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिला ईद मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईसा पूर्व में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। तो इसका भी जो आंसर था खलीफा था, पैगम मोहम्मद साहब वाला जो क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया ये था। इसको भी अगर किसी को देखना हो तो जाके पेज नंबर 10 पे देख सकता है। तो देखो बेटा, ये 20 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा है डेली लुसेंट का, टॉपिक आप लोग को दे दिया जाता है। अगले दिन कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट होंगे। तो कल जो टॉपिक हमारा होगा वो 10वें के बाद होगा, यानी कि हमारा ईसाई धर्म, पारसी धर्म एंड मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, इस पर बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य पे, 5 टॉपिक पे कल हम बात करेंगे। तो ऐप पे जाके आप इस पीडीएफ को भी, सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इसलिए ऐप कैसे डाउनलोड करना है अगर किसी को नहीं पता हो तो गूगल के प्ले स्टोर पे जाएगा, वहां पे जाके वहां पे युक्ति आईएएस सर्च करेगा, जो कोचिंग का नाम है युक्ति आईएएस, वहां पे जैसे ही ऐप इंस्टॉल करेगा फिर रजिस्ट्रेशन पूछा जाएगा, उस पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी डाल के उसको लॉगिन कर सकता है और वहां पे जाकर ऐप पर देखेगा तो उसको वहां पे उसका लुसेंट का पूरा सिलेबस मालूम हो जाएगा। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन भी लेना है टेस्ट सीरीज का तो वो भी ले सकता है वहां पे जाके। तो कल हम फिर मिलेंगे 20 क्वेश्चनों के नए सेट के साथ, बाकी जितना पढ़ाया गया है इसी में से। मैं दावा करता हूं कि आप इसको पढ़ के चले जाओ, बिहार पीसीएस की परीक्षा में कम से कम इसी से 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिल जाएंगे। ठीक है,
जरूर मैं आपको मिलूंगा जब 67 का पेपर हो जाएगा, उसके बाद खुद देखिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। इसी से चाहे जैन धर्म हो चाहे वह बौद्ध धर्म हो, महावीर स्वामी हो, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं और सदियों से इंपॉर्टेंट रहे, आगे भी इंपॉर्टेंट ये लोग रहेंगे। इसका साथ साथ जो तवांग मठ के बारे में जो मैंने जिक्र किया आपसे, बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न हैं, ये सब क्वेश्चन सासुर मठ लड़का पढ़ता ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये मठ है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अपने दोस्तों को भी युक्ति आईएएस के जो भी लूसेंट का स्टार्टिंग किया गया, बूस्टर स्टार्ट किया गया है, उसको बताते रहिए। अगर कोई समस्या होगा दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है यहाँ पर और ये ऐप भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक भी दिया हुआ है। दोनों माध्यम में टेस्ट सीरीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वनडे एग्जाम का हो, और इतने फीचर अब ऐप पे आ चुके हैं कि कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है जिसका टेस्ट सीरीज यहाँ पर ना हो, इसलिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म है युक्ति आईएएस जहाँ पर सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, कल फिर आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा, तब तक पढ़ाई करिए। और अमर सर के द्वारा दिया गया दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस एक अच्छे स्टूडेंट होने का परिचय दीजिए, उस एनालिसिस को देखिए जो सर जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको देखिए, बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पूरे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर आज तक किसी ने नहीं दिया है जिस तरीके से अमर सर वहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। प्री मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड तीनों चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसमें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।